जब एक इंसान जिसे कोई ना देख रहा हो, एक अकेले कमरे में हो, और वाकईतन तो हर इंसान को, चाहे वो अकेले भी कमरे में हो, तो परवरदिगार आलम हर लम्हे देख रहा है, मगर फिर भी वो दुनिया की निगाहों से पोशीदा है, कमरे के अंदर है, तो उस वक्त उसका तर्ज अमल कुछ और होता है। लेकिन अगर उसे ये एहसास हो जाए कि एक कैमरा उसे मुस्तकिल देख रहा है, तो फिर उसका तर्ज अमल मुख्तलिफ हो जाता है, वो कॉन्शियस हो जाता है। तो ये चीज अपने जहन में रखना और अपने बच्चों को भी इसका एहसास दिलाना, ये एहसास उनके अंदर पैदा करना कि जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकल कैमरे की जरूरत पड़े कॉन्शियस होने के लिए, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद से कॉन्शियसनेस, और फिर वो सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको पहुंचाए कि आप गॉड कॉन्शियस बने। ये गॉड कॉन्शियस होना क्या है? दरअसल ये तक्वा है, ये मुत्तकी होने की निशानी है कि आप हर आन हर लहजा इस बात की तरफ मुतवज्जे है कि कोई हो या ना हो, हमारे आमाल देखे जा रहे हैं, हमारे हर अमल पे निगाह है, और सिर्फ जाहिरी अमाल नहीं देखे जा रहे। जाहिरी अमाल तो हो सकता है कि हम किसी तरह खुशनुमा बना के पेश कर दें, लेकिन जो दिलों में छुपी हुई हकीकतें हैं, जो नियतों में छुपा हुआ इखलास है, किस नियत से कौन सा अमल अंजाम दिया जा रहा है, इनकी तरफ भी उन हस्तियों की निगाह है। तो जब इस तरफ हम मुतवज्जे हो जाएं, तो फिर हमारे अंदर तक्वे की वो फजीलत पैदा होगी कि जो हमसे मकसूद है, और फिर हम उस तज़किया नफ्स की तरफ मुतवज्जे होंगे, उस नफ्स की पाकीज़गी की तरफ मुतवज्जे होंगे कि जो हमसे मकसूद है। तो ये चीजें जब हमारे पेश नजर हों, तो फिर मुमकिन नहीं है कि इंसान अपने दीन से उस तरह से ताल्लुक महसूस ना करे जिस तरह से परवरदिगार आलम हमसे चाहता है। जो मकसूद है और जिसमें इखलास मौजूद है, जिसमें रिया का कोई शायबा ना हो, जिसमें रियाकारी ना हो, दुनिया का दिखावा ना हो, लोगों को दिखाने के लिए ना हो, बल्कि इखलास के साथ हो।